जागृति दर्शकों आरोग्य जागृति जो आज एक विषय लेके आई है जो पाइल्स जिसे कहा जाता है और इसी के ऊपर हम आज बात करें डॉक्टर निखिल चौहान साहब से जो एम एस सर्जन है और ये एक वीरा हॉस्पिटल के संचालक है जो सोहोम मोटर के बाजू में बैक साइड में मुकुंदवाड़ी के नज़दीक है दोस्तों तो आज हम जो बात कर रहे हैं पाइल्स लोगों में काफ़ी इसके बारे में कन्फ्यूजन है लोगों काफ़ी इससे परेशान भी है सवाल ये है क्या ये पाइस होता क्यों है इसे ट्रीटमेंट किस तरह किये? किस तरह किया जाता है आज हम इन्हीं से जानेंगे इन्हें काफ़ी सालों का अनुभव है एक वीरा हॉस्पिटल में काफ़ी सुसज्ज ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे सब सुविधा है इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे डॉक्टर निखिल चौहान सर से चलिए डॉक्टर साहब आरोग्य जावृत्ति में आपका सबसे पहला स्वागत है सर uh, आज हम बात करेंगे पाइल्स इसी के ऊपर काफ़ी लोग परेशान हैं पेशेंट भी काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं आज हम uh, बात करेंगे सर पल्स पाइल्स क्यों होता है नमस्ते मैं डॉक्टर निखिल चौहान एक वेरा हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ और करीबन 22 साल से सर्जिकल प्रैक्टिस में हूँ मेरा स्पेशलिटी जो है ये सर्जिकल गेस्ट्रो जिसमें दूरबीन द्वारा हर प्रकार के पेट की ऑपरेशंस होते हैं पेट के कैंसर के ऑपरेशन्स होते हैं इसी के साथ पेट से ही निगड़ित शौच के मार्ग के जो भी बीमारियाँ होती है सबसे कॉमन जो हम लोग सोचते हैं देखते हैं बवासीर, उसका भी हमारे यहाँ पूरी तरह से ट्रीटमेंट होता है जैसा कि आपने पूछा ये बहुत ही कॉमन चीज़ है बवासीर और इसके जो कारण होते हैं ये क्यों होता है सबसे ज़रूरी कारण इसका ये होता है कि लेटरिन करते वक्त जो, जो जोर लगाया जाता है उसके वजह से नीचे के जो एनल कुशंस होते हैं लेटरिन की जगह के उसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से वहाँ की जो नसें हैं वो फूल जाती है और वही सूजन की तरह उभर कर आती है बाहर आती है जिसमें से कभी कभी ब्लीडिंग होता है यानी उसमें से खून रिश्ता है इसी को हम कहते हैं बवासर और ये जोर लगाने की जरूरत जो है लेटरिन करते वक्त शौच साफ़ न होने की वजह है इसके कई कारण हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम लोगों में देखा जाता है पेशेंट्स में देखा जाता है वो कारण है कि बैड डायट्री हैबिट्स यानी खाने की चीज़ों पे जो खाना नहीं चाहिए वो ज़्यादातर तरह से खाया जाता है जो चीज़ें पेट साफ जिससे हो सकती है वो कम खाया जाता है जैसे कि हमारा पूरी दुनिया में ही रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है हमारे डाइटरी हैबिट्स चेंज हो रहे हैं खाने में का जो फाइबर जिसको तंतुवय पदार्थ बोलते हैं वो कम होते जा रहा है और रिफ़ाइंड फूड यानी कि तैयार खाना जैसा मैदा ये चीज़ें ज़्यादा खाने में आ रही है जिसके वजह से पेट साफ होने में दिक्कत होती है और अल्टीमेटली पेशेंट्स को जोर लगा के लैटरिन करनी पड़ती है जिससे बवासीर जैसी समस्याएँ का जनन होता है आ, सर अभी लोगों में कन्फ्यूजन ये है कि अब जैसा बताया अपने बाबासर फिशर और भगेंदर इसमें क्या डेफिनेशन सर क्या चेंजेस दिखता है बवासर जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा है ये जो है वहाँ के लेटरिन की जगह के जो एनल क्वेश्चन होते हैं जहाँ की नसें फुल जाने की वजह से जोर लगाने की वजह से नसें फुल जाती है उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है सूजन आ जाती है और वो सूजन के मार्फत जो सूजन आती है उसी को बवासिर कहा जाता है इसके अंदर और दो तीन जो अलग अलग जैसे आपने कहा है फ़िशर है भगंदर है ये अलग चीज़ें है ये अलग डिसीजेस है फ़िशर में होता यह है कि सख्त संडास सख्त लेटरिन होने की वजह से जिसको हम हार्ड स्टूल्स कहते हैं जब जोर लगाया जाता है तो ये लेटरिन की जगह जो है उसके वजह से फटती है फटने की वजह से वहाँ पे जख़म तैयार होती है जिसे हम अल्सर कहते हैं और इसी को कहा जाता है फ़िशर तीसरा आपने जो कहा है भगंदर भगंदर में एनल ग्लैंडस लेटरिन की जगह जो अंदर की पेशिया होती है ग्लैंडस होती है उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है उसमें पीप तैयार होता है और ये पीप कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहिए तो क्या होता है ये लेटरिन की बगल की जगह से चमड़ी की जगह से ये बाहर आता है तो अंदर की जो लेटरिन की जगह है वहाँ से लेकर बाहर की जो चमड़ी है वहाँ तक के एक कैनॉल जैसी सारी जिसको मराठी में बोलते एक तैयार हो जाती है जिसमें से गंदगी जो बाहर आने के बाद में पेशेंट को सख्त अच्छा लगता है क्योंकि उसका दर्द कम हो जाता है लेकिन ये जो अंदर कैनाल बना हुआ है चैनल बना हुआ है ये वैसा ही रहता है फिर कुछ दिनों के बाद में उसमें फिर से इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन होकर फिर से पीप होता है फिर से वो चैनल ओपन हो जाता है उसमें से फिर से गंदगी बाहर आती है इसे कहते हैं हम फिशचूल्ला या भगंदर तो जैसे तो फिशर और भगंदर ये तीनों अलग अलग तरह की बीमारी है लेकिन तीनों में ज़्यादातर जो कारण प्रमुख कारण है वो यही है कि लेटरिन को जोर लगाना सर अभी जैसा अभी बािर बताया जा रहा है जैसे आपने बताया बावासिर के बारे में ये बीमारी ऐसी होती है बता नहीं पाते काफ़ी लोग आंख पे निकालते हैं सर ऐसे लोगों के आप क्या सजेशन देंगे सबसे ज़रूरी ये है जैसा कि इसका कारण मैंने बताया कि जर, लेटरिन को जोर लगाना तो ये ना हो इसी के लिए सब जो भी प्रिवेंटिव मेजर से इसी के हिसाब से रहने चाहिए यानी आपकी लेटरिन साफ होनी चाहिए इसके लिए आप क्या करना है आपने आपने पानी ज़्यादा जा, पीना है आपने फुल फाइबर डाइट जिसमें ज़्यादा तंतुमय पदार्थ होते हैं हरी सब्जियाँ हो गई पूरे गेहूँ की रोटी हो गई जवार की रोटी हो गई दूध दूध के पदार्थ हो गए ये चीज़ों का आपने सेवन ज़्यादातर करना है ना कि फ़ास्ट फूड रेडीमेड चीज़ें गरम चीज़ें मसाले की चीज़ें ये चीज़ों से आपको परहेज रखना जरूरी है सर बासिर के बारे में काफ़ी लोग परेशान भी है ऑपरेशन सभी के दिन में एक ही गैर समझ ये है क्या ऑपरेशन के बिना इसका चारा नहीं है और ऑपरेशन होने करने के बाद भी होता है ऐसे लोगों का समझ है इसके बारे में क्या बोलिए बाासिर जो है इसके चार अलग अलग डिग्रीज होते हैं पहले डिग्री में सूजन जो आती है वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर सूजन जगह पे रहते हैं दूसरे स्टेज में ये सूजन इतनी आती है कि लेटरिन के वक्त वो पूरी सूजन के साथ में बवासिर बाहर आता है लेकिन जैसे ही लेटरिन हो जाती है वो फिर से अंदर चला जाता है तीसरी स्टेज में ये बाहर आता है लेकिन अंदर जाता नहीं है जो सूजन होता है बवासिर का वो अंदर नहीं जाता है उसे हाथ से ढकेलना पड़ता है और चौथी स्टेज जो होती है उसमें हाथ से ढकलने पर भी वो अंदर नहीं जाता है ये चार अलग अलग स्टेजेस है इसमें हर कोई स्टेज जो हर कोई बीमारी यानी हर बवासीर की बीमारी को ऑपरेशन ही लगेगा ऐसा नहीं है इसमें अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है और आपने अगर आपके खाने पीने के जो आपकी आदतें हैं वो सुधार ली है तो इसमें आप मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि दवा गोली से और परहेज ये चीज़ों से आप इसके ऊपर आप निश्चित तौर से इसको आप आपसी निजात पा सकते हैं और दूसरी बात रही अगले चरण की ट्रीटमेंट की इससे ज़्यादा की लेवल पे है या फिर फिर आपको तकलीफ हो रही है तो इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन अभी अवेलेबल है जिसमें हम जो कहते हैं कि सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री ये पाइल्स जो रहते हैं इसमें आप इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी यानी इंजेक्शन लगवाने की जो काफ़ी कॉमन प्रक्रिया है काफ़ी लोगों को उसके बारे में मालूम है उसको वो कर सकते हैं इसको कहते हैं हम जनरल टर्म में इंजेक्शन पाइल्स का इंजेक्शन दे दिया है तो ये आप एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है दूसरा ऑपरे ऑप्शन है कि इसको बैंडिंग कहते हैं इसको एक बैंड्स लगाते हैं बवा का जो बेस रहता है मूल जो रहता है उसका रूट जो रहता है उसके ऊपर बैंड लगा दिए जाते हैं ये दूसरा ऑप्शन है अभी और नया ऑप्शन जो आया है वो लेज़र का भी ऑप्शन है ये सारी चीज़ों का लेज़र हो इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी हो बैंडिंग हो ये सभी का उद्देश्य ये होता है कि बवासिर की जो नसें है जो उनका रूट है जहाँ से वो तैयार हो रही है उसको जला दिया जाए या उसे बंद कर दिया जाए ताकि बवासिर का जो सूजन है जो नस सूज चुकी है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाए और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अब अगर थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री की बात करें तो थर्ड डिग्री के काफ़ी पेशेंट्स यानी नियरली फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट पेशेंट चालीस पचास प्रतिशत पेशेंट इंजेक्शन से उनको भी आराम राहत मिल सकती है इंजेक्शन या लेज़र या बैंडिंग जो मैंने कहा है पर सभी को इसमें राहत नहीं मिलेगी तो इसके नेक्स्ट ऑप्शन यही होता है कि आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है थर्ड और फोर्थ डिग्री पाइल्स के लिए ऑपरेशन बेहतर इलाज है जिसमें कि चांसेस फिर से होने के काफ़ी कम हो जाते हैं ऑपरेशन में पहले जो शुरू के लोग जो करते थे यानी करीबन पंद्रह बीस साल पहले का जो ऑपरेशन टेक्निक था वो अभी काफ़ी रिफाइन हो गया है क्योंकि इसमें नई मशीनरी आ गई है मशीन्स आ गई है जिससे हम ये ऑपरेशन इजीली कर पाते हैं जिसमें ब्लड लॉस कम होता है पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद में बहुत जल्दी काम पे जा सकते हैं उसको तकलीफ ज़्यादा नहीं होती है जख्म जो है वहाँ की जो है वो कम होती है तो ये ऑपरेशन जो है आप कर सकते हो और अगर आपको जख्म नहीं चाहिए और फास्ट रिकवरी चाहिए तो उसमें और भी बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम स्टेपलर हिमोराडेक्ट हिमोराडेक्टोमिक कहते हैं इसमें दूरबीन द्वारा ऐसा कहते हैं कि दूरबीन द्वारा जिसे आप अंदर के अंदर जो मूल रहते हैं इसके बवा के उनको आप स्टेपल कर सकते हो इसका एक अलग से मशीन आता है जो सिंगल यूज़ यानी एक ही बार यूज़ कर सकते हैं स्टेपलिंग गन रहता है उसमें आप अंडर अंडरेशिया भूल दे के आप स्टेपलर हेमराडेक्टॉमिक कर सकते हो जिसके भी रिजल्ट अच्छे हैं ये जो इंजेक्शन क्लेरोथेरेपी हो गई लेजर्स है फिर बैंडिंग है इसके बाद में ऑपरेशंस और स्टेपलर ये सारी की सारी पाँचों सुविधाएं हमारे यहाँ पे एकवेरा हॉस्पिटल में हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं और हमें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले आपका और एक सवाल था कि ये फिर से होने की जो डर बना रहता है सभी चीज़ों में जैसा इंजेक्शन क्लोरोथेरेपी में रिकरेंस रेट थोड़ा ज़्यादा होता है करीबन सिक्सटी तक के लोगों को इसमें अच्छी से राहत मिल जाती है लेकिन थर्टी फोर्टी पेशेंट्स 30 से 40 प्रतिशत पेशेंट को बवासीर की तकलीफ फिर से हो सकती है क्योंकि जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें हो सकता है कभी कभी पूरी तरह से जो उनका रूट है बवासीर का वो नष्ट न हुआ हो वैसे ही ऑपरेशन के बाद में रिकर रिकरेंस रेट इज़ अराउंड टेन परसेंट तो दस टका पेशेंट को फिर से तकलीफ हो सकती है ऑपरेशन के बाद में भी बवासीर के ये तकलीफ़ इसीलिए होती है कि आपने आपके जो खाने पीने के हैबिट्स है लेटरिन साफ न होने के कारण है उसी के वजह से ये फिर से हो सकता है सर जैसा बताया क्या ऑपरेशन के बाद जो तकलीफें होती है लोगों में दर्द बहुत बड़ा है ऐसा अपने एक वीरा हॉस्पिटल में एडवांस ट्रीटमेंट क्या है इसी के लिए जो एडवांस ट्रीटमेंट हम जो कहते हैं आजकल एक तो लेजर का है जो हम सेकंड डिग्री और कभी कभी थर्ड डिग्री तक के यूज़ करते हैं और स्टेपलर हिमोराडेक्टोमी ये दोनों चीज़ों में हमने देखा है कि हमारा रिकरेंस रेट काफ़ी कम है अगर हम हमारा, हमारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस देखा जाए तकरीबन पंद्रह साल का एक्सपेरा हॉस्पिटल का यहाँ का एक्सपीरियंस इसके अलावा दिल्ली और फॉरेन सऊदी अरेबिया का मेरा जो एक्सपीरियंस है तो इसमें हार्डली दो से पाँच के बीच में रिकरेंस रेट होता है और रिकरेंस हुआ भी तो ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक मेडिकल ट्रीटमेंट से गोली दवा से वो बैठ जाता है तो उसको ज़्यादा कुछ रियली फिर से सर्जरी करने की ज़रूरत बहुत कम बार पड़ती है ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है सर जैसा मेरे आखिरी सवाल ये है क्या अभी मोटापा ये सबसे बड़ा uh, सवाल है सभी का है तो सर ऐसे पेशेंट को बाबा सिर की तकलीफ बहुत जल्दी हो सकती है या uh, कुछ कारण हो सकते हैं बा की तकलीफ मोटापा के जो पेशेंट मोटे पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑफ कोर्स ज़्यादातर पाई जाती है काफ़ी लोगों में इनका इसके इंसिडेंस ज़्यादा है क्यों तो मोटापा होता क्यों है मोटापा होता इसीलिए है क्योंकि एक्सरसाइज कम है खाने पीने की आपके हैबिट्स गलत है आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो और आपका मूवमेंट बहुत कम है तो ये अगेन ये सब चीज़ें जो है ये बवासीर के लिए बहुत प्रेरणादायी है यानी इससे गवासिर होने के फुल चांसेस बढ़ते हैं तो मोटापा ये बवासीर काफ़ी पेशेंट्स के मोटापा पेशेंट जो होते हैं पे, मोटे पेशेंट जो होते हैं उनमें बवासीर काफ़ी हद तक मिलता है सर काफ़ी अच्छा हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी है आ, इसके बारे में बासिर के बारे में सर बावसर ही ना हो अगर हुआ भी है तो लोगों में डर बैठा हो उसके लिए आप क्या उनको संदेश देना चाहें बवासीर का जो डर है कि बवासीर होने पर ऑफ कोर्स काफ़ी तकलीफ होती है पूरा दिन ख़राब होता है हमेशा ध्यान पेशेंट का बटा रहता है बवासीर के वजह से तो इसका न होने का सबसे ज़रूरी यही है कि आपने अच्छा डाइट लेना चाहिए जिसमें आप ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हरी सब्जियाँ फ्रूट्स और पानी का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि आपको बवासीर की शिकायत ना हो एक दूसरी चीज़ आपको जब शौच को जाना है तो तुरंत जाइए आप उसे रोक के मत रखिए कि बाद में जाएंगे इससे क्या होता है कि आपका जो स्टूल है वो हार्ड बन जाता है और आपको जोर लगा के लैटिन करना पड़ता है ये दो चीज़ें और नियमित एक्सरसाइजेस पानी का अच्छे से सेवन हेल्दी लाइफ ये सब चीज़ें वेट कंट्रोल में रखना ये सब चीज़ें जरूरी है ताकि आपको बवासीर ना हो और एक बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को इसी माध्यम से कई दर्शकों को जो स्पेशली पुराने दर्शक हैं पुराने यानी ओल्ड जनरेशन के जिन्होंने उनके ज़माने में ऑपरेशन वगैरह किए हैं उनमें ये एक समस्या काफ़ी हद तक है यानी एक गलत फहमी बोलो या उनका एक्सपीरियंस बोलो कि बवासिर के ऑपरेशन के बाद में लैटरिन का कंट्रोल जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है ऐसा उनको लगता है तो इसके बारे में भी मैं इसी आपके इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस ये गलतफहमी मत रखिए उस ज़माने में जो ऑपरेशन होते थे उनमें ज़ख्म जो है वुंड्स ऑपरेशन की काफ़ी बड़ी होती थी उसके और ऑपरेशन की तकनीक जो है अभी जैसे इजाद हो चुकी है उसमें नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं तो इसमें अभी हमने जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा ना के बराबर है कि किसी पेशेंट्स को आ, फिकल इनकॉन्टीनेंस यानी कि लेटरिन के ऊपर का कंट्रोल चला जाए ऐसा बहुत कम ना के बराबर यानी मैंने तो देखा नहीं है अभी तक मेरे प्रैक्टिस में किसी को नहीं होता है बिकॉज अभी काफ़ी रिसेंट एडवांसेस में अच्छे अच्छे मशीनें आई है और ऑपरेशन करने का सर्जन्स का एक्सपीरियंस उनका जो इसका क्वालिटी ऑफ जो देना है आपको ऑपरेशन में वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है थैंक यू सर दर्शकों डॉक्टर चौहान सर ने हमें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है पाइल्स के बारे में हम इसी तरह अगले एपिसोड में उनसे जानेंगे भगेंद्र के बारे में तो आप देखते रहिए आरोग्य जागृति आरोग्य जागृति